हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी 19 में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन देखेंगे कैसे होता है, पूरा प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन का देखेंगे। अभी हाल ही में TCS ने एक फार्मूला यहां पे दिया है, एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा बताया गया है नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। एक फार्मूला यहां पे दिया गया है, आप देख सकते हैं इस फार्मूले को, और बताया गया है कि इसी फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन होगा। पहले ये होता था, जब नॉर्मलाइजेशन के बाद बच्चों के मार्क्स आते थे तो ढेर सारे बच्चों के सवाल उठते थे, किसी के कम कैसे हो गए, किसी के ज़्यादा कैसे हो गए हैं। तो इसीलिए TCS ने इस फार्मूले का ऑफिशियल बता दिया है कि इसी फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हम इस फार्मूले को पूरा देखेंगे, इस पर पूरा डेटा रखेंगे और देखेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। मैंने पूरा डेटा तैयार किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल आप समझ पाएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है और कितने मार्क्स बढ़ते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं पूरा वीडियो। पहले हम इस फार्मूले के सारे वेरिएबल को जान लेते हैं, उसके बाद सारी एक एक वैल्यू सारे शिफ्ट की इसमें हम पुट करके देखते हैं, फिर लास्ट में उसका रिजल्ट देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स कितने आते हैं। सबसे पहला इस फार्मूले को हम देखते हैं, पूरा फार्मूला काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों के मन में उठते हैं, पहले उसके जवाब देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम भी होते हैं क्या? तो ऐसा कभी नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कभी नहीं कम होते। यहाँ पे फार्मूला ही ऐसा डिजाइन किया गया है, अगर कोई भी बच्चा का जैसे 42 मार्क्स आया है, अगर 42 मार्क्स रखा जा रहा है नॉर्मलाइजेशन में, या तो लास्ट में 42 ही मार्क्स आएगा या तो इससे बढ़ के आएगा। ये फार्मूला ही ऐसे डिजाइन किया गया है, 42 से कभी कम आता ही नहीं। जो वैल्यू रखी जाती है या तो उसी के बराबर ही आता है या तो उससे बढ़ के ही आता है। तो उनके डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन किया क्यों जाता है इसको भी समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन अगर कोई भी एग्ज़ाम दो या दो से ज़्यादा शिफ्ट में अगर कंडक्ट होता है तब वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है। तब ऐसा माना जाता है कि पेपर का लेवल सभी शिफ्ट में बराबर नहीं आया था, इसीलिए बच्चों के जो एवरेज मार्क्स सारे शिफ्ट के आ रहे हैं कम ज़्यादा आ रहे हैं, तब यही मान के इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ से दो पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब फार्मूले में देख लेते हैं कि फार्मूले में ये सारे वेरिएबल हैं क्या। तो यहाँ से देख रहे होंगे ये फार्मूला है, तो ये सबसे पहले है ये बच्चों का नॉर्मलाइज्ड मार्क है। यहाँ पे जब पूरे मार्क्स आएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद तो यहाँ पे वो मार्क्स शो होगा। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये क्या है, MTG। तो ये है इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट्स कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे 1000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं पूरे एग्ज़ाम शिफ्ट में, यहाँ पे ऑल शिफ्ट कहा गया है, यहाँ देख सकते हैं पूरे ऑल शिफ्ट में कहा गया है, जैसे 1000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें से 0.1%, इसमें 0.1% मतलब 100 लोग 1000, अगर 100,000 होंगे तो 1000 लोगों का जो टॉप में है, सबसे ऊपर है मैक्सिमम मार्क्स, जैसे 80 है किसी का 90 है, तो ये इसमें से 0.1% बच्चों के यहाँ पे ये एवरेज मार्क्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे रखा जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए। तो 0.1% टॉप में जो होंगे, सबसे ज़्यादा परसेंट मार्क्स जिनके आए होंगे उनको 0.1, जैसे 100,000 अगर है तो इसका 100,000 का 0.1% यहाँ से निकाल लेंगे तो उतने टॉप कैंडिडेट के यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे रख दिया जाएगा। अभी मैं सारी वैल्यू आपको पुट करके दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है ये, इसकी क्या वैल्यू होती है इसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे MQG, यहाँ पे MQG को देख लेते हैं। इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। इसमें भी ऑल शिफ्ट की बात कही जा रही है, तो इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मैं अभी लास्ट में आपको बताता हूँ वो निकलता क्या है। मीन वैल्यू तो आप जानते होंगे कि मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ही होती है। तो जैसे कई सारे कैंडिडेट होते हैं तो उनका मीन एवरेज निकाल लेते हैं, उसी को मीन वैल्यू कहा जाता है। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है उसको भी मीन वैल्यू की तरह थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, वैसे ही निकाला जाता है, उसको भी अभी हम दिखाते हैं, पूरा निकाल के दिखाएंगे आपको। कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं होगा कि जो ना समझ में आए, तो इसको समझ लेते हैं ये कहे क्या रहा है।
इज़ द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पूरा इसमें देखिए, इसमें भी कहा जा रहा है आल शिफ्ट में जितना पूरे शिफ्ट में पूरे बच्चे हैं उसका एवरेज निकालेंगे। जैसे 100,000 कैंडिडेट हैं तो सारे कैंडिडेट का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, और सारे कैंडिडेट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद यहाँ पर वो वैल्यू रख दी जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम दोनों निकाल के दिखाते हैं। तो जैसे 100,000 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसको एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू निकालने में एक अगर मैनुअल प्रोसेस किया जाए तो हो सकता है असंभव बात है। तो इसीलिए कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये कंप्यूटर पे होता है। ये फार्मूला पूरा एक एल्गोरिथम बना के, एक प्रोग्राम बना के कंप्यूटर में डाल दिया जाता है। तो ये अपने आप पूरा मार्क्स डिटेक्ट करके लास्ट में नॉर्मलाइज वैल्यू, पूरा एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के लास्ट में दे देता है। पर हम थोड़ा सा कम शिफ्ट का देखेंगे, अपने से बना के देखेंगे 4-5 शिफ्ट का, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख के आपको दिखाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है MTI। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला पॉइंट है MTI, ये क्या है, ये है इज द एवरेज मार्क्स ऑफ दी टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट इन दी आई शिफ्ट। मतलब ये कहा जा रहा है जिस शिफ्ट का आप नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं जिस कैंडिडेट का, सिर्फ उसी शिफ्ट का यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टॉपर हैं 0.1% टॉपरों का यहाँ पे एवरेज मार्क्स रखा जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है, मैं लास्ट में सब दिखाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा। अभी यहाँ से थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जब वहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे फार्मूले पे तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.1% जो टॉपर हैं उसी शिफ्ट में, अभी तो उसमें कहा गया था पूरे शिफ्ट का जो एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहा जा रहा था, पर इसमें कहा जा रहा है सिर्फ उसी शिफ्ट में जिस शिफ्ट में आप नॉर्मलाइजेशन निकालना चाहते हैं। जैसे राम है दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो राम दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो उसी शिफ्ट का यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.1% के जो टॉपर हैं उनका यहाँ पे एवरेज मार्क्स रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वेरिएबल है MIQ, ये क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो MIQ क्या है, यहाँ पे इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम रखा जाएगा, जो एवरेज वैल्यू आएगी और सिर्फ उसी शिफ्ट में जिस शिफ्ट का निकालना चाहते हैं। ऊपर सबसे जो था तो उसमें कहा गया था आल शिफ्ट, यहाँ सिर्फ उसी शिफ्ट में, मतलब आई शिफ्ट कहा जा रहा है तो उसी शिफ्ट का यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाला जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों को जोड़ के यहाँ पे रख दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएबल आता है इसको देख लेते हैं, इसको क्या कैसे निकालेंगे और क्या कहा जाता है इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे जो बच्चों का रखा जाएगा एक्चुअल मार्क्स, आप देख लीजिए नोटिस में रखा गया है, नहीं तो आप कहेंगे हो सकता है गलत। नोटिस में आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए MIJ है बेस में, इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया, वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इज द एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाई जेथ कैंडिडेट इन आई शिफ्ट, देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअल मार्क रखा जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उसके लिए सॉरी। यह है एक्चुअल मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन दी आई शिफ्ट, यहाँ पे एक्चुअल मार्क होगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है जैसे राम है उसका एक्चुअल मार्क कितना है उसको रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर वही बात की गई है, उसके बाद हम इसको लास्ट वाले देखते हैं, यहाँ पे लास्ट वाले को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं MIQ है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई शिफ्ट, ये देख चुके हैं क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे भी और वहाँ पे भी सेम थी तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं थी। देख लीजिए यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे भी सेम थी, उसके पहले मैंने बता दिया था। अब ये जो लास्ट में है इसको देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। इज द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन दिस शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कौन सा सम रखा जाएगा, यहाँ पे जो जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स आए हैं, जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स आए हैं उसका एवरेज मार्क्स और उसी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सम यहाँ पे रखा जाएगा। आइए अब फार्मूले में सबको बारी बारी से रखते हैं और निकालते हैं और देखते हैं कैसे इसमें जो आता है नॉर्मलाइज वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पूरा डाटा तैयार किया है, इस डाटा में मैंने
पांच शिफ्ट का माना है और पांच शिफ्ट में मैंने 10-10 कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली शिफ्ट का है, दूसरा शिफ्ट, यहाँ पे तीसरा, चौथा शिफ्ट और पांचवा शिफ्ट। यहाँ पे 10-10 कैंडिडेट के मैंने मार्क्स रखे हैं और इस मार्क्स से पूरा नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आती है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी आई जे जो था, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो आई था, आई का शिफ्ट से रिलेशन था। जैसे आई बराबर अगर 1 रखा जाएगा तो पहली शिफ्ट की बात हो रही है, अगर आई बराबर 2 रखा जा रहा है तो दूसरी शिफ्ट की बात होगी। और यहाँ पे ऐसे ही जे है, जे कैंडिडेट है, अगर जे की वैल्यू जैसे 1 रखा जा रहा है तो यहाँ पे मतलब कैंडिडेट 1, और जैसे जे 1 और आई 1 रखा जा रहा है तो पहले शिफ्ट का पहला कैंडिडेट होगा। जैसे जे 2 रखा जा रहा है और आई 1 रखा जा रहा है तो पहले शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट होगा, ऐसे करके अभी लास्ट में आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा रखा गया है, आपको मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू तो आपको निकालना आता ही होगा। तो मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पहला शिफ्ट है तो पहले शिफ्ट का पूरा नंबर जोड़ लेते हैं और कितने कैंडिडेट हैं उसको बाद उसी से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आपका एवरेज मार्क्स आ जाता है, इसी को बोला जाता है मीन वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पांचों शिफ्ट का एनालिसिस किया, तो यहाँ से आप देखिए जो एवरेज वैल्यू सबकी आ रही है सबकी अलग अलग आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं 44.9 आ रहा है, यहाँ पे 42.8 आ रहा है, यहाँ पे 62.1 आ रहा है और यहाँ पे 37.5 आ रहा है, यहाँ पे 49.0 आ रहा है। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अब यहाँ से जब ऐसे वैल्यू आती है तो यहाँ से आता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, यहाँ से कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में जो एवरेज वैल्यू आई है अलग अलग आई, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब में अलग अलग वैल्यू आई है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जो तीसरी शिफ्ट थी, यहाँ देख सकते हैं तीसरी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी शिफ्ट में 62.1 आया है और चौथी शिफ्ट में देख सकते हैं 37.5 एवरेज मार्क्स आया है। तो यहाँ से बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यहाँ से माना जाता है जो सबसे सरल पेपर आया था वो तीसरी शिफ्ट में आया था और सबसे जो कठिन पेपर आया था वो चौथी शिफ्ट में आया था। तो अब हम इन्हीं से लेके पूरा नॉर्मलाइजेशन इसी को देख के अब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, इन सारे को एक नॉर्मल वैल्यू में लाने की कोशिश की जाती है, उसी को TCS ने एक फार्मूले से डिराइव करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब उसी फार्मूले से जितने भी TCS के एग्जाम होंगे उसी फार्मूले से नॉर्मलाइजेशन निकाला जाएगा। देखिए एवरेज वैल्यू तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू उसी को बोला जाता है, जो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने पहली शिफ्ट का ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकाल के बताऊंगा, उसको आप देखिए और बिल्कुल समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे तो इसको कैसे निकाला जाता है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने पहला शिफ्ट यहाँ पर ले लिया है, यहाँ आप देख सकते हो मैंने पहले शिफ्ट की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो अभी देखिए इसको कैसे पूरा एक्स बार और एक्स की तरह निकाला जाए, यहाँ पे जो पहली शिफ्ट का पूरा सीरीज है एक तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है, उसके बाद फिर इस पूरी सीरीज का अगर एवरेज निकालते हैं उसी को एक्स बार बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सीरीज का एवरेज निकाल लीजिए उसी को एक्स बार बोला जाएगा। यहाँ पर मैंने जो आया है एक्स बार 44.9 आया था, ऊपर आपने देख लिया होगा उसको 45 ले लिया है क्योंकि 0.1 का ही डिफरेंस था तो एक्यूरेटली वैल्यू आई इसलिए मैंने 45 ले लिया है। अब दूसरी टेबल में यहाँ आप देख सकते हैं जो दूसरा है यहाँ पर निकालने के लिए एक्स बार माइनस एक्स माइनस एक्स बार है, तो यहाँ देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू तो यही है 40 है, 42 है, 60 है, तो एक्स की जगह पे यही वैल्यू सेम पूरी रख दी गई है। उसके बाद माइनस में देख सकते हैं माइनस में एक्स बार है और एक्स बार की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे नीचे निकाला 45 आया था, तो 45 हर जगह रख दिया जाएगा। अब दोनों का जो माइनस होगा यहाँ पर आप इस तरफ बराबर करके लिख देंगे तो यहाँ से सारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखिए अब इन सब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखा जाएगा 25 आया, इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ऐसे सारा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू टोटल लास्ट में जब देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो पूरा समेशन लगा है, तो यहाँ समेशन लगा है तो इसका समेशन का मतलब टोटल सम होता है, तो टोटल सम निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का यही एक फार्मूला होता है, जब
तीनों वैल्यू आ जाती है तो तीनों वैल्यू को यहाँ पे आप रख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं समेशन आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद n क्या है, पूरा n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 10 कैंडिडेट थे इस शिफ्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 वैल्यू रख देंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, 18.6 आ गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 18.6 आ गया। अब आपको सब मालूम हो गया कि मीन वैल्यू कैसे निकाला जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाए। अब इस पर पूरा पुट करते हैं। पहले देखिए IJ की वैल्यू मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं I इक्वल टू मैंने 1 ले लिया है और J इक्वल टू 2 ले लिया है। I इक्वल टू मैंने 1 लिया है और J इक्वल टू 2 लिया है, मतलब कि यहाँ पे I मतलब कि पहला शिफ्ट है, पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट, पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट आप देख सकते हैं। पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट ऊपर टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था IJ, ये देखिए पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट, ये देखिए पहली शिफ्ट है और इसका दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे मतलब 42 है। यहाँ पे देख लीजिए पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट, यहाँ पे J इक्वल टू 2 है, I इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अब पूरी वैल्यू I और J की रख देंगे, फिर देखते हैं फार्मूले में अब जो जो वैल्यू कहता जाता है वही वही इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए आपको नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ पर आई है वहाँ पे 1 और जे जहाँ पे है वहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे आई था यहाँ पे 1 कर दिया मैंने, और यहाँ पे आई था यहाँ पे भी 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आई जे था तो 1 2, मतलब कि एक्चुअल मार्क्स यहाँ पे होता है, जो एक्चुअल मार्क यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी आई की वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद यहाँ वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये टोटल सम है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यू आप वैसे रख दीजिए। तो यम TJ क्या था उसको भी एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद सारी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है MTG, इसका मतलब इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टॉपर हैं पूरे शिफ्ट के, पूरा शिफ्ट के मिला के 0.1 टॉपर के जो एवरेज मार्क्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर अब रखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पूरे शिफ्ट के जो टॉपर हैं 0.1% कैंडिडेट के टॉपर के एवरेज मार्क्स को यहाँ पे मैंने 88 करके रख दिया। अब दूसरा देखते हैं कि ये क्या है, इसको भी आप यहाँ से उठा के रख दीजिए उस टेबल MQG। यहाँ पे देख सकते हैं इज द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट एग्जामिनेशन इन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। यहाँ पे ऑल शिफ्ट में कहा जा रहा है ऑल शिफ्ट का जो मीन वैल्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी पहली वाली, मैक्सिमम 0.1 टॉपर के जो है थे 0.1% के वो वैल्यू यहाँ पे रखी गई थी, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि ऑल शिफ्ट में पूरे शिफ्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस सम, पूरे का स्टैंडर्ड डेविएशन है और पूरे का एवरेज है मतलब मीन वैल्यू, इन दोनों का सम यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू पूरे शिफ्ट का यहाँ पे रख दिया। उसके बाद लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, इसको भी आप देख लीजिए, वहाँ पे देखते चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, MTI क्या है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट, मतलब अब यहाँ पे कहा जा रहा है जिस शिफ्ट का आप निकालना चाहते हैं उसी शिफ्ट के 0.1 टॉपर के यहाँ पे एवरेज मार्क्स को रखा जाए। जैसे मैंने पहले शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो उस पहले शिफ्ट में जो टॉपर हैं 0.1% उनके एवरेज मार्क्स को यहाँ पर रखा जाएगा। और लास्ट वाला भी देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर देखते चलिए, MIQ क्या है, यहाँ पर है इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन आई शिफ्ट, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम है मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी शिफ्ट का मीन मार्क्स और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं फार्म। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दीजिए, ये है उसी शिफ्ट के टॉपर के 0.1% जिस शिफ्ट के निकालने चाहते हैं उसी शिफ्ट के टॉपर के 0.1% के एवरेज मार्क्स को यहाँ पे मैंने 70 रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स, उसी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स दोनों का सम यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर दोनों का सम रख दीजिए, उसी शिफ्ट का 41 रख दीजिए। यहाँ पर जो है ये एक्चुअल मार्क है, जैसे दूसरा शिफ्ट पहले शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट था उसका कितना मार्क्स था 42, यहाँ पे रख दिए, फिर से यहाँ पे वही वैल्यू रख देंगे 40 करके। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसको देख लीजिए कि ये क्या है, इसको भी देख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है कि इज द सम ऑफ मेन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम
मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कहा जा रहा है पूरे शिफ्ट में जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आए हों, मैक्सिमम एवरेज आ रहा है उस शिफ्ट का ये यहाँ पे मीन वैल्यू रखी जाएगी प्लस में स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का सम यहाँ पे रखा जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन वैल्यू का सम यहाँ पे आप रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 52 रख दिया है, उसके बाद जब पूरा जोड़ते हैं तो कितना आता है 53.65 करके यहाँ पे देख लीजिए। अब नॉर्मल वैल्यू आ गई, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितनी आ गई 53.65, जो एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 42 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 11.65। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.65 करके यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में वैल्यू बढ़ी है। ऐसे करके किसी भी कैंडिडेट का आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहला शिफ्ट का दूसरा कैंडिडेट था तो यहाँ पे दूसरा शिफ्ट का तीसरा कैंडिडेट, ऐसे करके कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर आपको फाइनल वही का नॉर्मलाइजेशन आपको मालूम चलेगा। तो ऐसे करके पूरा नॉर्मलाइजेशन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे एक बार और देख लेंगे तो हो सकता है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।